अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स मैं आपका टीचर जही बच्चों हम एक्सपेंशन कार्ड की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम एक और टाइप ऑफ एक्सपेंशन कार्ड को डिस्कस करेंगे जो कि मॉडर्म है और उसकी मजीद टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे बच्चों अगर हमने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना तो किस तरह किया जाएगा हमारे पास दो तरीके हैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के आधर डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं यूजिंग टेलीफोन लाइन या फिर हम अपने ऑफिस या कोई पहले से स्टेबलिश नेटवर्क को कनेक्ट होकर अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे ठीक है मीन्स या तो सर्वर्स के साथ कनेक्ट होकर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या फिर डायरेक्टली टेलीफोन लाइंस के जरिए से इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहे होते तो अगर टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड हो तब हमें जिस डिवाइस की जरूरत होती है दैट इज मॉडर्म मॉडर्न बेसिकली एक एक्सपेंशन कार्ड है जो कि ज्यादातर एक्सपेंशन स्लॉट्स में इंटीग्रेट किया जाता था या फिर ऑन द मदरबोर्ड ये इंटीग्रेट है एज ए इन कार्ड के तौर पर ठीक है बेटा मॉडर्म है क्या मॉडर्म बेसिकली एब्रीवेशन है दो वर्ड्स की और वो वर्ड्स क्या है एक मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर मूव फ्रॉम मॉडुलेटर एंड डेम फ्रॉम डी मॉडुलेटर अब ये मॉड्यूलेटर क्या करता है और डी मॉडुलेटर क्या करते मॉडर्म बेसिकली मॉड्यूलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करा मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग फॉर्म वेयर इज डिमोडुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनोलॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म तो मॉडर्न के दोनों प्रोसेस आ जाते हैं कि इसने मॉड्यूलेशन भी करनी है और डिमोडुलेशन भी करनी है तो मॉड्यूलेटर जो कंपोनेंट है इसके अंदर ये क्या कहता है ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन कर रहा है जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर्ड है उसे ऑन द नेटवर्क ट्रांसफर करने के लिए एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है डी कंपोनेंट कब काम करता है जब डाटा रिसीव होता है जब कंप्यूटर को डाटा रिसीव होता है वो किस फॉर्म में होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है डी मॉडलेटर उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो इस से modem, basically, एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को डिजिटल से एनालॉग एंड एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करती जो एवरीशन है और जो ये दो टर्म्स थी ये आपको समझ आ गई होंगी अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं इट इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो पॉसिबल बनाती है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जिसके जरिए से हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं बिटवीन कंप्यूटर्स दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा ट्रांसमिशन परफॉर्म की जा सकती है बाय यूजिंग मॉडर्म ये मॉडर्म एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस है और किस तरह से वाया टेलीफोन लाइन यानी कि टेलीफोन लाइंस के जरिए और अदर सच कम्युनिकेशन लाइंस या टेलीफोन लाइंस के तरह की अदर लीज लाइंस जो होती हैं उनके जरिए से हम मॉडेम को यूज करते हुए अपने कंप्यूटर्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्म एक कम्युनिकेशन डिवाइस है ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस जिसने डाटा को डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है ठीक है अब मॉडेम्स आर जनरली यूज फॉर डायलॉप कनेक्शन इंटरनेट बच्चों यहां पर आप ये देख रहे हैं एक नई टर्म आ रही है अप कनेक्शन इंटरनेट के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम डिफरेंट वेस में कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग आजकल जो कनेक्शंस यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए उन्हें डीएसएल कनेक्शंस कहा जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइंस कनेक्शंस मीन्स आप उस कनेक्शन को एक दफा सब्सक्राइब कर लेते हो और उसके बाद जब तक वो पैकेज एंड नहीं होता तब तक वो कनेक्टिविटी रहती है ठीक है जबकि डायल कनेक्शन जब भी हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है वी नीड टू डायल द कनेक्शन हमें डायल करना पड़ता था हमें कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करवानी पड़ती है नेटवर्क के साथ सर्वर के साथ अपने कंप्यूटर की ठीक है जब तक कनेक्टिविटी इस्टैब्लिश नहीं होगी लाइंस अगर बिजी हैं या कनेक्टिविटी लाइंस डैमेज हुई हुई है तब वो कनेक्शन स्टैब्लिश ही नहीं होगा डायलॉप कनेक्शन के अंदर जब भी हर दफा कनेक्टिविटी के लिए पहले डायलिंग करना पड़ती है उसी तरह से जिस तरह किसी के साथ बात करने के लिए टेलीफोन लाइन से टेलीफोन कॉल डायल करनी पड़ती है इन द सेम वे डायलॉप कनेक्शन के जरिए से भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए डायलिंग जरूरी होती है ठीक तो है तो बेटा मॉडर्म्स यूज करते हैं डायलप कनेक्शन को इंटरनेट के लिए और इसके साथ साथ टेलीफोन लाइंस या अदर लीज लाइंस को यूज कर रहे होते हैं अब मॉडर्म कार्ड्स कैसे हम यूज करते हैं दीज आर फिक्स्ड आइदर फिक्स्ड होते हैं कहां पर एक्सपेंशन स्लॉट्स में या तो ये कार्ड्स की फॉर्म में है जिन्हें हम एक्सपेंशन स्लॉट्स में इंसर्ट कर देते हैं और केबल को इसकी पोर्ट में यूज करके इंजेक्ट करके हम यूज कर रहे होते हैं या फिर इंटीग्रेटेड टू द मदरबोर्ड आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं, उनमें मॉडर्न इंटीग्रेटेड है ऑन द मदरबोर्ड, मींस के के इन है ऑन द मदरबोर्ड और हमें क्या करना है हमें केबल चाहिए टेलीफोन केबल जिसे हम इंजेक्ट करेंगे इसकी पोर्ट में और इंटरनेट के साथ डायलिंग करके कनेक्ट हो जाएंगे ठीक है ना तो मॉडेम मॉडेम बेसिकली एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस जो मॉड्यूलेशन और डी परफॉर्म करती है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्जन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रही होती है ठीक है ये टेलीफोन लाइंस को यूज करते हुए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है और जब भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना हो हमें डायलॉग कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ता है ठीक है तो बेटा इसकी टाइप्स को देखते हैं अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो हमारे पास तीन मेन टाइप्स आ जाती हैं जो मॉडेम के हवाले से हैं कौन कौन से एक डायल मॉडेम आ जाते हैं दूसरे फिर आई एस डी एन हैं और थर्ड टाइप जो है वो डीएसएल मॉडेम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानेब और इन टाइप्स को स्टडी करते हैं। जी बेटा तो डायलॉग मोड है फर्स्ट टाइप ऑफ बोर्ड है जो आजकल तकरीबन डिक्लाइन हो चुकी है खत्म हो चुकी है या बहुत कम यूज हो रही होती थी। है है ठीक तो बेटा डायलॉग मोड है बेसिकली यूज करता है टेलीफोन लाइन को जिनके जरिए से इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर ठीक है इट यूजिस टेलीफोन लाइन टू तो कनेक्ट द कंप्यूटर विद इंटरनेट और ये कितनी ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड कर रहा अब ट्रांसमिशन स्पीड का काम भी मॉडेम से है एरर चेकिंग फिर कन्वर्जन ये डिफरेंट चीजें आ जाती हैं जो एक मॉडेम की कैरेक्टिक्स में आ रही होती ट्रांसमिशन स्पीड के कितने डेटा को ये कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग और आगे ट्रांसमिट कर रहा होता और जो टेलीफोन लाइंस हैं वो कितना डाटा कैरी कर सकती हैं तो जो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड है डायल कनेक्शन या डायल मॉडेम की इसकी ट्रांसमिशन स्पीड मैक्सिमम 56 सिक्स है जो कि बहुत ही स्लो है और इसी वजह से ये डायलब मॉडेम्स क्या हो रहे हैं डिक्लाइन होते जा रहे हैं खत्म होते जा रहे हैं ठीक है लेकिन इसका एक एडवांटेज है इसी वजह से यह बिल्टिन भी है कंप्यूटर्स के अंदर क्या एडवांटेज है एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम एनी वेयर इन वर्ल्ड हम कहीं भी जाते हैं हमारे पास लाजमी नहीं है कि जो हमने पैकेज करवाया है जो सब्सक्राइबर्स लाइन हम यूज कर रहे हैं वो वहां पर एक्टिव हों उसकी वजह मॉडर्म के जरिए उस लोकेशन के ऊपर टेलीफोन लाइन को यूज करते हुए हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपना बुनियादी काम परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है बेटा तो डायल्प कनेक्शन या डायलप मॉडर्म का, का फायदा हमें यह है कि ये कहीं से भी हमें कनेक्टिविटी अलाउ कर देता है इसके लिए हमें टेलीफोन लाइन चाहिए किसी पैकेज की किसी सर्विसेज की जरूरत नहीं है और इट इज चीपेस्ट इंटरनेट कनेक्शन अब ये चीपेस्ट क्यों है टेलीफोन लाइन को यूज कर रहा है और जैसे ही आपने कनेक्शन को क्लोज किया तो आपके कोई चार्जेस नहीं जाएंगे कब चार्जेस कंज्यूम होंगे कब पॉइंट्स या चार्जेस जो भी कंज्यूम हो रहे होते हैं जब आपने कनेक्टिविटी कनेक्टिविटीब्लिश कर अब कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने से कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट करने तक जितना आपने इंटरनेट यूज किया सिर्फ उसी के चार्जेस आपने पे करने होंगे उससे ज्यादा चार्जेस पे नहीं करने होंगे ठीक है तो बेटा इस वजह से ये चीपेस्ट इंटरनेट कनेक्शन होता है इसके बाद अनदर टाइप डिस्कस करते हैं इज is अब ये क्या इससे पहले मैं के हवाले से एक बात बताता चलू अगर आपके घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर है और टेलीफोन लाइन है आप टेलीफोन लाइन को इस मॉडर्म में लगाएं और इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो तब आपका टेलीफोन सेट डेड हो जाएगा आप टेलीफोन कॉल ना तो कोई डायल कर सकते हैं ना ही कोई रिसीव कर जो भी डायल कोई और कर रहा होगा उसे आपका नंबर डेड मिल रहा होगा नॉट रिस्पॉन्डिंग मिल रहा होगा या बिजी मिल रहा हो क्यों उस वक्त आपने डायलब मॉडेम को यूज करते हुए टेलीफोन लाइन के जरिए से इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी की हुई है मींस या तो डेटा ट्रांसमिशन होगी या फिर वॉइस ट्रांसमिशन हो सकती अगर आप कॉल कर रहे हैं उस वक्त इंटरनेट नहीं कनेक्ट किया जा सकता डायलॉप कनेक्शन या डायलप मॉडम के जरिए जब हम यूज कर रहे होते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया आई एस डी एन इंट्रोड्यूस करवाया गया और आईएसडीएन स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क आईएसडीएन मॉडम इज यूज विथ इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क टेक्नोलॉजी अब ये आई टेक्नोलॉजी है क्या ये बेसिकली अलाउ करती है कि डेटा एज वेल एज वॉइस दोनों पैरल में एक ही केबल के थ्रू एक ही लाइन के थ्रू कम्युनिकेट हो सके ट्रांसमिट हो सके अगर आप पीटीसीएल का कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट कनेक्शन है वो आपको साथ में टेलीफोन कनेक्शन भी देते हैं। लेकिन वो बीच में ऐसी डिवाइसेस यूज कर रहे होते हैं जैसे एक केबल टेलीफोन सेट की तरफ चली जाती है दूसरी केबल मॉडेम की तरफ आ जाती है। अब टेलीफोन डायल भी कर रहे हैं टेलीफोन कॉल्स को रिसीव भी कर रहे इसमें इस डिस्कनेक्टिविटी नहीं होती अब इसमें क्या हुआ कि ये आईएसडीएन टेक्नोलॉजी यूज हुई जिसने दोनों को डाटा को भी और वॉइस को भी एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सिंगल टेलीफोन लाइन के जरिए ट्रांसमिशन परफॉर्म करनी होती है तो बेटा आइए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करती है को इंटीग्रेट या कंबाइन करती है वॉइस को और सर्विसेज को ओवर द सेम वायर सेम वायर या सेम टेलीफोन लाइन के ऊपर दोनों को वॉइस को भी और डेटा सर्विसेज को भी कंबाइन या इंटीग्रेट कर रही इसी वजह से इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्विसेज यानी कि वाइस भी है और उसके साथ साथ डाटा भी डिजिटल फॉर्मेट में मूव किया जा रहा है इट यूजेज द सेम टेलीफोन लाइन्स डेट डायल्प मॉडेम यूजेस लाइंस वही यूज हो रही है जो डायलप मॉडेम यूज कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर फर्क क्या आ गया डायलप मॉडर्म और आई एस डी एन मॉडर्म में पर एट अ टाइम या तो वॉइस ट्रांसफर होती थी या फिर डाटा ट्रांसफर हो रहा होता था दोनों पैरल में नहीं ट्रांसफर किए जा सकते लेकिन आई एस डी एन मॉडम अलाउ कर रहा है कि वाइस और डाटा सर्विसेज दोनों को सेम वायर के थ्रू ट्रांसफर किया जा सके इट सेम टेलीफोन लाइन जो डायलॉग मॉडम यूज करते इट कैन प्रोवाइड इंटरनेट स्पीड अप टू 128 ट्वेंटी एट केबीपीएस किलोबिट्स पर सेकेंड डायलॉग मॉडम कितनी स्पीड प्रोवाइड करते थे 56 kbps, केबीपीएस यानी 56 किलोबिट्स किलो बिट्स पर सेकेंड जबकि आई मॉडेम्स क्या कर रहे हैं डायलॉग मॉडर्म ठीक है तो बेटा ये आपके पास डायलॉग मॉडर्म से रिलेटेड और आई एजन मॉडर्म से रिलेटेड डेफिनेशन थी हम चलते नेक्स्ट बोर्ड पर और नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडर्म को डिस्कस करते जी बच्चों सो थर्ड टाइप ऑफ मॉडर्म इज डीएसएल जो कि आजकल कॉमनली यूज किए जा रहे हैं अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लेने जाते हैं तो आप उधर भी बताते हैं कि हमें कौन सा कनेक्शन चाहिए डायलब चाहिए या ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए या ब्रॉडबैंड डीएसएल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अगर आप डीएसएल कनेक्शन की बात करते हैं इवन अगर आप देख लें कि आपको पता नहीं है कि डीएसएल कनेक्शन क्या होता है लेकिन आपको ये पता है कि घर में कौन सा इंटरनेट कनेक्शन लगा डीएसएल कनेक्शन लगा है, ये वाईफाई डीएसएल कनेक्शन लगा हुआ है तो इस तरह से लेकिन डीएसएल कनेक्शन या डीएसएल मॉडेम है क्या ये कैसे काम करते हैं बेसिकली ये डिजिटली सब्सक्राइब कर देते हैं यूजर्स को यूजर कोई पैकेज अपना सब्सक्राइब करवा लेता है जितनी ड्यूरेशन का वो पैकेज है उतनी ड्यूरेशन के लिए उसे 24 फोर आवर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती है एक खास अमाउंट वो पे करता है अगर वो इंटरनेट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा लेकिन उसकी वो सर्विसेज उस ड्यूरेशन के लिए होती हैं। जैसे ही वो ड्यूरेशन पूरी हुई वो अगर वो उसका पैकेज पीछे मौजूद भी है ज्यादा रहता भी है उसने इतना यूज भी नहीं किया वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है ठीक है डिफरेंट पैकेजेस हैं जिनके थ्रू हम इस कनेक्शन को अवेल कर रहे होते हैं तो बेटा डीएसएल स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये ऐसी लाइंस हैं जिन्हें सब्सक्राइब करना पड़ता है और ये डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रही होती है जो वर्ड ब्रॉडबैंड का आता है बेटा डाटा ट्रांसमिशन की दो टेक्नोलॉजीज हैं एक बेसबैंड और एक ब्रॉडबैंड बेसबैंड के अंदर कन्वर्जन नहीं होती डिजिटल डाटा डिजिटली ट्रांसमिट हो रहा है एनालॉग एनालॉग डाटा फॉर्म में ही ट्रांसफर हो रहा होता है लेकिन जो ब्रॉडबैंड है ब्रॉडबैंड ये डिजिटल डाटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके एट अ लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन बैंड टेक्नोलॉजी इतने ज्यादा डिस्टेंस तक के लिए डाटा को ट्रांसफर या ट्रांसमिट नहीं कर सकती तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू हम लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर भी एक ही तरह की स्पीड के जरिए से डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो डीएसएल स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इट इज यूज विद डीएसएल कनेक्शन। ये डीएसएल कनेक्शन के साथ यूज होता है टू द इंटरनेट यानी कि इंटरनेट को यूज करने के लिए डीएसएल कनेक्शन की जरूरत होती है इट इज मोर एडवांस मॉडर्न ये ज्यादा एडवांस मॉडम है जो कि हमें हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता है इट प्रोवाइड एक्सट्रीमली फास्ट इंटरनेट स्पीड वन ट्वेंटी एट केबीपीएस नहीं फिफ्टी सिक्स के बी पी एस नहीं या हंड्रेड एमबीपीएस वन जीबीपीएस तक का डाटा ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड कर रहे होते हैं ठीक है लेकिन डीएसएल एस एल मॉडम की स्पीड किस चीज पर डिपेंड कर रही होती है डिपेंडिंग अपॉन द पैकेजेस जो पैकेजेस उस यूजर ने सब्सक्राइब किए हैं और उसके साथ साथ सर्विसेज ऑफ आईएसपी और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कितनी स्पीड दे रहा है अब यहां पर ये यह पॉइंट देखें कि आपने तो टू एमबी का कनेक्शन सब्सक्राइब किया होता है लेकिन आपको स्पीड में भी हंड्रेड के बी पी एस मिल रही होती है या वन एमबी भी नहीं मिल रही होती क्यों क्योंकि जितना लोड होगा आईएसपी के ऊपर और आईएसपी जितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा उतनी सर्विसेज हमें मिलेंगी। बेशक पैकेज कुछ और है लेकिन सर्विसेज डिपेंड उस पर भी कर रही होती हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी कंपनी होती है जिसने हमें इंटरनेट की तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी होती है ठीक है तो बेटे इट ऑल्सो यूजेस फोन लाइन्स टेलीफोन लाइन्स को और अदर सब्सक्राइबर्स लाइन्स बहुत सारी ऐसी लीस्ट सब्सक्राइबर्स लाइंस आ जाती हैं जिनके जरिए से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप खुद जानते हैं डिफरेंट इंटरनेट कंपनीज हैं और वो हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं या फिर हम डायरेक्टली जो टेलीफोन लाइन सर्विसेज हैं उनको यूज करते हुए भी डीएसएल कनेक्शन को यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये याद रखते हैं कि फोन लाइंस को भी और अदर सब्सक्राइबर्स लाइंस को भी यूज कर रही होती है लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है ये मोर एक्सपेंसिव है देन डायलब एंड आई एस डी एन कनेक्शन के अंदर हमें बार बार कनेक्शन तो स्टेब्लिश करना पड़ता है लेकिन सिर्फ उतनी ही कंजप्शन होती है जितने टाइम के लिए हमने कनेक्टिविटी दी है जबकि अगर डीएसएल कनेक्शन की बात करें तो डीएसएल मॉडेम के जरिए जो कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ वो लगातार 24 फोर आवर्स अ डे ये चलता रहता है अदर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा हमने एक सर्विस सब्सक्राइब की है और हमने उसकी पेमेंट करनी है हमने उसे यूज किया या ना किया तो इस वजह से ये एक्सपेंसिव होते हैं विकास इट रिक्वायर्स सब्सक्रिप्शन ऑफ कनेक्शन और हमें इसके कनेक्शन की सब्सक्रिप्शन भी चाहिए होती है डीएसएल मॉडर्म्स आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं हर घर के अंदर तकरीबन जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके लिए डीएसएल मॉडम यूज हो रहा है और इवन के वाईफाई फाई भी मौजूद हैं वाईफाई कनेक्शंस आजकल मिल रहे हैं वो भी आपके पास किस में आते हैं डीएसएल मॉडम के अंदर ही आ रहे होते हैं एनी जो मॉडम होते हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड भी हो सकते हैं या वो एक्सटर्नल कार्ड्स के तौर पर भी यूज किए जा सकते हैं तो बेटा ये था आप आज का टॉपिक जिसमें हमने मॉडेम और उसकी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया उम्मीद है कि आपको इनके डिफरेंसेस भी समझ आए होंगे और आप अच्छे से इसे तैयार भी कर लेंगे इजाजत चाहता हूं अल्लाह हाँ।